गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा, और आज है 27 अप्रैल। कल हम रात में यहाँ पे आ गए थे अल्मोड़ा में, ममता की मौसी के वहाँ। तो कल रात हमने यही स्टे किया। रात में बहुत ठंड थी, हम तो ऐसे ही आए थे टी शर्ट में, और रात में जो कम्बल वम्बल सब ओढ़ने पड़ गए। अभी सुबह उठ गए और सनराइज़ भी हो गया है, देखिए धूप आ रही है अंदर। बहुत अच्छी सी मॉर्निंग है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पे। तो आज का हमारा प्लान है यहाँ से आके जाने का ममता के गाँव बसौली। यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर है और 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। तो बने रहिएगा वीडियो में, और आज आपको दिखाएंगे पहाड़ी गांव, इधर अल्मोड़ा साइड के गांव कैसे होते हैं। मॉर्निंग टी चल रही है, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा। ठंड होती है ना यहाँ पे, तो दिन की शुरुआत इसी से होती है। यहाँ पे ओली को लाए थे लक्की से दोस्ती कराने, लक्की थोड़ा सा एग्रेसिव है तो ये हो नहीं पा रही इनके फ्रेंड से। लक्की देख रहा है, ओली आओ आओ इधर आओ, कम कम लकी, ओली से मीट ओलिवर, ओलिवर से मिलो, आओ 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 आओ। मुझे डर लग रहा है इसके पास ले जाने में कहीं काट ना दे, क्योंकि वो रिएक्शन आ नहीं रहा लकी का। ओली तो फुल मूड में खेलने के, आओ चलें, लकी इंटरेस्टेड नहीं है, आओ चलो। नया दिन नई शुरुआत, और हो गए हैं तैयार आगे की यात्रा कंटिन्यू करने के लिए। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी वो ये कि लोगों ने यहाँ पे मतलब शहरी जीवन के साथ साथ गाँव का जीवन का भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर अल्मोड़ा की मार्केट है, वो ऊपर मॉल है वहाँ पे, और ये नीचे पूरी कॉलोनीज बसी हुई हैं। सिटी लाइफ के साथ साथ गांव के जीवन का भी आनंद ले रहे हैं लोग यहाँ पे। ये देखिए मौसी ने यहाँ पे गाय पाली हुई है, ये पाली हुई है गाय। ये यहाँ पे सो के उठो तो सामने ऐसे नज़ारे दिखते हैं, दिल्ली लखनऊ में ऐसे सीन कहाँ होते हैं। देखो अंगूर का पेड़, बेल है, ये गौशाला बनाई है मौसी ने सामने, सब कुछ यहीं पे होता है, चारा वारा सब यहीं से। जाएगा चारा ना, और ये सामने सब खाना खा रहे हैं। ये रेड सिंधी ब्रीड है, ये अभी 11 मंथ ओल्ड है, ये वाली सोनी। हेलो, और ये इसका ये बछिया 7 महीने की है। वो पीछे का है 6 साल की, जैसे कि बच्चे हैं दोनों। तभी भी वो ऊपर जा रहे हैं, पार्किंग में जहाँ गाड़ी लगाई है ऐसे। और ये पूरा डिग्री कॉलेज है, इसकी बाउंड्री। हम तक तैयार होके आ गई। हाँ जी तैयार, हाँ या ना, ठीक है होता है, हाँ या ना, यस। अच्छा, और वो है पहाड़ उसके पीछे कैसार देवी, वहाँ भी जाएंगे हम। ऐसे बना रखे लोगों ने घर, ये कॉलोनी से सी ऊपर अल्मोड़ा की मार्केट है। पेड़ जो कट कट गया था, ये बोगन मिलिया ए वही वाला है क्या, ये टूट गया था, फिर से टूट गया था, फिर आ गया ना, टूट गया उसमें आई लव अल्मोड़ा लिखा हुआ है, अल्मोड़ा की शान है। हाँ बहुत बड़ा पेड़ था, इतना सुंदर सा है, और लगाओ ये
पेड़ इतना बड़ा और गिरा और यहाँ आसपास किसी घर पे नहीं गिरा है, गिरा है टुकड़ों में रोड में, फिर दोबारा हो रहा है, जल्द कर दिया देखो वो सब लगा के वहाँ साइड में। आई लव अल्मोड़ा हो गया वो। जी तो हम निकल गए थे अल्मोड़ा से टाइम पे और अभी जा रहे हैं मसौली। रास्ते में जगह छोटा सा ब्रेक लिया हमने, यहाँ पे रुके हुए हैं, दिखाता हूँ जगह बहुत अच्छी है। कसार देवी से थोड़ा आगे आके जगह पड़ती है, बहुत शांति है यहाँ पे। तो इधर से आ रहे हैं हम कसार देवी की तरफ से और ये है रोड बेंट है यहाँ पे, ये हमने गाड़ी लगा दी अपनी साइड में, थोड़ी सी जगह थी यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लगा दी। काफ़ी शांति यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बस हम ही रुके हैं। तो ममता, ये मोहित और ये अपना आलू, ये देखो नीचे को पूरा जंगल टेंस, चीड़ के पेड़, होली के सही मजे हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसको ओपन प्लेस मिला हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठ के परेशान है, जैसे उतर रहा है गाड़ी से एकदम एक्साइटेड फुल, इधर उधर खूब भाग रहा है। आ जाओ चले, ये खुश, और नीचे मत जाना, फिसल जाएगा वो, नीचे जाएगा सीधे वहाँ पे गड्ढे में। ओ ये है ना पेरू, पेड़ की जो पत्तियाँ होती है सूखी हुई, तो ये काफ़ी स्लिपी होता है, पैर पड़ते ही फिसलता है नीचे को। तो ये उसको ओलिवर को भी अंदाज नहीं आगा, तो ये फिसल सकता है। और ये चीड़ का फल जिसके अंदर होते हैं बादाम, ठेठ बोलते हैं उसको, ठेठ और शौंत, ये ले लोग अपने घर भी ले आते हैं, इसको पेंट करके डेकोरेशन के लिए रखते हैं। हम भी ले गए थे लास्ट टाइम जब दुनागिरी गए थे, ओली को मिल गया। ओली आओ इधर आओ, ओली का नया टॉय पीछे देखो। इधर आओ, इधर इधर, नो भाग गया, उसको लगा को शिकार मिल गया। नीचे नहीं आ रहे हो, जल्दी चलो 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 चलो, लेटा क्या ही मिल गया, आ जाओ नहीं छीन रहा हूँ, आ जाओ लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, जल्दी 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 जल्दी, भाग क्या भाग क्या, लाया नहीं लाया, चढ़ नहीं पा रहा, आ जा आ जा जल्दी, और नीचे चला गया होगा यार, लेपर्ड का भी खतरा है, जल्दी आओ भाग क्या, और ये कम कम चढ़ नहीं पा रहा है। आलू ला, आलू आलू, उसके लिए तो बुरी ट्रैकिंग हो गई, आ जा आ जा आ जा, आओ कम कम, चलो पैर कैसे हो गए उसके, देखो पैर कैसे हो गए, थकान सी लग गई। नीचे से थक गया, हेलो चलो, नीचे कुछ था गया, आवाज आई थी। तो ये पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि ममता के घर बसौली, अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है ये बागेश्वरी रोड पे। तो अगले कुछ दिन हम यही रहने वाले हैं, और हमारे पहुँचते ही कुछ बढ़िया सा मौसम हो गया, अभी बारिश हुई थी और इस समय मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड बढ़ गई है, अभी भी बादल लगे हुए हैं ये। तो ये है वैली का व्यू सामने, वो नीचे रिवर है वहाँ पे, और वो गाड़ी पार कर दी हमने वहाँ पे अपनी,
वहाँ से मैसेज चल के आए यहाँ से ऐसे। ये पीछे पूरा जंगल है और वो सामने इनका गांव है। ये देखो भाई कितना सही मौसम हो रहा है पहाड़ों का इस समय। दिल्ली में तो इतनी गर्मी होती है और यहाँ पे एकदम एसी भी फेल है, इतनी ठंड हो रही है इस समय अप्रैल में। ये सामने अनार का पेड़ और ओली के भी सही मजे हो रहे हैं। ओलू हम आजा 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 हम आजा यार लिया अली भागा। बस एक ही डर है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि फॉरेस्ट का जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा और यहाँ से पास भी है, यहाँ से पीछे पूरा जंगल शुरू होता है तो लेपर्ड का थोड़ा सा खतरा है रात में। तो ओली थोड़ा सेफ नहीं, ओली की हम भी सेफ नहीं, तो थोड़ा अंदर रहेंगे रात में, जल्दी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे आता जाता रहता है बाघ। ये देखिए सामने कितना सही लग रहा है। हेलो हेलो आजा देखो ओली भी यही है। बच्चों के सही मजे हैं, कुछ नहीं करेगा। और वो सामने मंदिर है गांव का शिवालय। अगले कुछ दिन हमारा स्टे यही रहने वाला है, मस्त इन्जॉय करेंगे। आसपास के जो कुछ घूमने वाली जगह है वो भी घूमेंगे, कसार देवी गराड़ ये सब, और यहाँ पे बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी घूमेंगे, और आगे एक गुलदार वैली है वो भी घूमेंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को ऐसे प्यार देते रहना, वीडियो पे बने रहना, आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं।